सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा झारखंड ANM JNM एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, दिमाग में जब तक ये टारगेट सेट ना हो आप उस तरीके से तैयारी नहीं करोगे और फिर आप सिलेक्शन लेने में थोड़ा सा गड़बड़ा सकते हो। इसीलिए आप अपने दिमाग में एक टारगेट सेट कर लो, कितना नंबर लाने पे आपका सिलेक्शन होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। चाहे आप जनरल से हो, OBC से हो, SC हो या ST हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक टारगेट मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, उतना अगर आप टारगेट को पार कर देते हो तो आपका सिलेक्शन को ही नहीं रोक सकता है, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो में आपको पेपर पैटर्न, सिलेबस, ये सारा चीज़ मैं बताऊँगा। और पास करने के लिए एक्चुअली जो कट ऑफ रहती है वो क्या रहती है, पिछला साल कितना तक गया था, सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक दूंगा, एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जिसको अगर आप पढ़ लेते हो तो गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। उस क्वेश्चन बैंक की खासियत यह है कि उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल है। तो क्वेश्चन बैंक के लिए अगर आप भटक रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भटक रहे हो, तो भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी वो क्वेश्चन बैंक लेना और पढ़ डालना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, सारी जानकारी वीडियो के लास्ट में दी गई है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखो। और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहता है। तो एग्ज़ाम में आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें सब्जेक्ट जो है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन सब्जेक्ट तो होता ही होता है, इसके साथ साथ इसमें इंक्लूड है मैथ, ठीक है, इसके अलावा इसमें इंक्लूड है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश भी इंक्लूड है। अब देखो, ये मैथ जो है ये 30 नंबर का रहेगा, इंग्लिश जो है ये 30 नंबर का रहेगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 90 नंबर का रहेगा। इस तरह से टोटल 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ओके। और सबसे बड़ी बात है कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव भी रहता है, तो नेगेटिव की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन में गलत होता है, तो जो आया हुआ नंबर है वो भी कट जाता है। तो आपको ये नहीं करना है, जो आपके नंबर आ चुका है उसको गंवाना नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन में 0.5 नंबर भी मैटर कर जाता है, ठीक है। कोई एक नंबर से भी सिलेक्शन चूक जाता है, किसी का आधा नंबर से भी चूक जाता है, ओके। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, ये बहुत ही आसान होता है, बोला जाता है 10th लेवल का पूछा जाता है, ठीक है, बोला जाता है 10th लेवल का पूछा जाता है, लेकिन 10th लेवल से थोड़ा सा अच्छा लेवल रहता है एग्ज़ाम में। पूरा पूरे 10th जैसा ईजी नहीं रहता, थोड़ा सा हाई रहता है, इतना भी आप इसको लाइटली मत ले लेना कि 10th लेवल है मतलब बहुत ईजी रहेगा। इंग्लिश बोला जाता है 12th लेवल का, तो ये थोड़ा सा टफ रहता है, इंग्लिश में तो कोई डाउट नहीं है, ओके। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि 150 में आपका कितना नंबर लाना पड़ेगा ताकि आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि पिछला साल कितना नंबर तक सिलेक्शन मिल गया था, ठीक है। तो पिछला साल अगर बात किया जाए तो GNM जो है उसके लिए 100+ चल गया था, 100+ चल गया था, और ANM जो है ना, ANM के लिए ऑलमोस्ट 75+ चल गया था। जी हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, 75 चल गया था और GNM का 100+ चल गया था। क्यों? क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी आया था। अगर इस साल भी पेपर इजी आता है तो कट ऑफ हाई जाएगा, और पेपर अगर थोड़ा सा मॉडरेट आता है तो कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आपका सपना है GNM करने का, तो आप अपना टारगेट सेट कर लो कि मुझे 100 से ऊपर रहना है इस साल भी 2024 में, 100 से आपका प्लस होना चाहिए, तब आपको GNM मिलेगा। और अगर आपका 100 से नीचे आ जाता है तो आपको ANM करना पड़ेगा बाय फोर्स। और ANM के लिए कितना कटअप जाएगी, तो ANM के लिए मैं आपको बता दूँ 80 तक आपको ANM मिल जाएगा, 80 तक, ठीक है, आउट ऑफ 150, ओके। तो 80 नंबर तक आपको ANM मिल जाएगा, लेकिन GNM के लिए 100+ जाने वाला इस साल का कट ऑफ, इससे नीचे GNM नहीं मिल सकता, ओके। तो देखो, तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है, प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप पर डे, आप इसके लिए मैं आपको बता दूं, पर डे 5 घंटा आप एकदम डेडिकेटेड के साथ स्टडी करो, ठीक है, 5 घंटा पर डे स्टडी करो, जिसमें चैप्टर वाइज पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव पढ़ो, मैथ सॉल्व करो, इंग्लिश करो, ठीक है। उसके बाद पर डे आप क्या करो, 2 घंटा प्रैक्टिस करो, 2 घंटा क्या करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में क्या है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ, जितने भी आपके पास
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पर डे लगाऊँ, इसमें आप पर डे 300 क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं आपको पहले बता दूँ कि पर डे 300 क्वेश्चन आप सॉल्व करो पर डे, ओके। उसके बाद एक घंटा जो है पर डे रिविज़न करो, जितना भी आपने पढ़ा उसका रिविज़न करो, एक घंटा रिविज़न करो। इस तरह से आप पढ़ाई का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाओ, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। अब देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए पर डे 300 क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये आप हमारे क्वेश्चन बैंक को लेके कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक में मैंने इतना क्वेश्चन दे दिया है कि पर डे 300 करके प्रैक्टिस करोगे तो अभी आपका ख़त्म नहीं होगा। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर डे अगर आपके पास 300 क्वेश्चन स्टॉक होगा ना, तो एग्ज़ाम में गारंटी कि यही स्टॉक आपका काम देगा। जब आपके पास 10,000 या 5,000 या 8,000 क्वेश्चन स्टॉक हो जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम में जो 150 क्वेश्चन उठेगा ना, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं स्टॉक से उठेगा, वहीं काम देगा, ओके। तो पर डे ये सीरीज करना बहुत ज़रूरी है, ओके, ठीक है। इसकी तैयारी आप हमारे ऐप के साथ जुड़ के कर सकते हो। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, नहीं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आपको जीत बैच दिखेगी, ठीक है। ये जो जीत बैच है ये कम्प्लीट आपका ANM GNM के लिए स्पेशल होगा, झारखंड का, ये आप देख सकते हो। इसमें सभी विषयों की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है, और इसमें लाइव क्लासेस के साथ हम लोग पढ़ाएंगे। थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और नोट्स सब कुछ आपको मिलेगा। पहले थ्योरी बताएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव समझाएंगे, उसके बाद उसका PDF नोट्स वगैरह दे देंगे, ठीक है। वीकली टेस्ट लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे, ओके। ये कंप्लीट कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 599 में मिलेगी, जो कि सबसे सस्ती है। एक बार आपको पेमेंट करना है और पूरा कोर्स आपको एग्ज़ाम तक फ्री में कराया जाएगा, ठीक है। अगर इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो अभी आप एक ये ऑफ़र चल रही है, आप ये कोड यूज करना JEET10, इस कोड को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सभी लोग जाओ, ये कोड जब तक वैलिडिटी है तब तक आप इसको लूट लो, ये कोड कभी भी एक्सपायर हो सकती है, ठीक है। तो एक्सपायर होने के बाद 599 इसकी प्राइस रहती है, अभी आपको और भी सस्ती मिल जाएगी, ओके। और जो मैं क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा था वो ये रहा क्वेश्चन बैंक, 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, ये आप देख सकते हो। इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, 15 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, 100 मॉक सेट और 50 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जो रिवीजन करने के लिए बेस्ट रहेगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में क्वेश्चंस हैं, और इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी भी मैंने दे दिया है। तो सभी लोग जाओ, ये क्वेश्चन बैंक भी ले लो। इस क्वेश्चन बैंक का प्राइस है 299, लेकिन वहीं अगर इसमें भी आप JEET10 कोड लगाते हो तो इसमें भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बशर्ते ये JEET10 एक्सपायर होने से पहले आप इसको अवेल कर लो तो ही, ठीक है, एक्सपायर होने के बाद आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छा मौका है, सभी लोग जाओ फटाफट ऐप में और ऐप को डाउनलोड करो और ये कोर्स के साथ जुड़ जाओ, ये क्वेश्चन बैंक ले लो और JEET10 कोड लगा लो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा लो। उसके अलावा अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर सीधा इस हेल्पलाइन नंबर पे आप पेमेंट कर दो तो भी आपको आपका कोर्स और क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जो JEET10 का जो आपका अमाउंट है वो माइनस करके जो भी आपका अमाउंट बच रहा है वो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप सेंड कर देना, फ़ोनपे गूगल पे से, अपने फ़ोनपे से नहीं तो किसी और के द्वारा भी आप पेमेंट करवा सकते हो, और उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप में भेज देना इसी नंबर पे, और अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर भेज देना, हमारी टीम आपका कोर्स आपका क्वेश्चन बैंक एक्टिवेट कर देगी। तो फटाफट जाओ, सभी लोग इसका फ़ायदा उठा लो, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब भी ये फॉर्म आएगी सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल में पहले मिलती है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।